लोकसभा चुनाव में भाजपा को रामनगरी अयोध्या में मिली करारी हार से हर कोई हतप्रभ है। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या के चतुर्थी विकास के बाद भी हुई हार को लेकर हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। अब समाचार अयोध्या से। लोकसभा चुनाव में भाजपा को रामनगरी अयोध्या में मिली करारी हार से हर कोई हतप्रभ है। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या के चतुर्थी विकास के बाद भी हुई हार को लेकर हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा है। एक समाचार पत्र के मुताबिक आए दिन अति विशिष्ट अतिथियों के आगमन और मार्गों पर रोक टोक से अयोध्या के लोग अपने ही नगर में बेगाने सिद्ध होने लगे थे। रही सही कसर विकास के नाम पर व्यापक तोड़फोड़ से हुई। तोड़फोड़ से बड़ी संख्या में नागरिकों एवं व्यापारियों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। इसके एवज में उन्हें मुआवजा तो नाम मात्र का मिला, किंतु जब पुनर्वास के लिए वह सरकारी बिजनेस कॉम्प्लेक्स में दुकान आवंटित कराने गए तो उन्हें 20 से 30 गुना तक की कीमत चुकानी पड़ी। तथा व्यापारियों ने आराध्य की नगरी की अस्मिता के नाम पर, चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो या निकाय चुनाव, भाजपा को अपनत्व प्रदान करने में पूरी उदारता का परिचय दिया। जो राम और राम मंदिर संपूर्ण अयोध्या की थाती है, वहां जाने के लिए भी स्थानीय धर्माचार्यों एवं नागरिकों को किसी विशेषाधिकार की अपेक्षा थी, किंतु तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट ने इस बारे में किसी तरह का विचार करने की जरूरत नहीं समझी। या तो वह लाइन लगाकर अति सामान्य श्रद्धालु की तरह राम मंदिर का दर्शन करें, या विशेष पास के लिए तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से लेकर संघ और बिहिप के किसी प्रभावी पदाधिकारी की चिरौनी करें। इन असहमतियों के अतिरिक्त भाजपा के तर्कस के तीर भी दंग खाने लगे थे, जिन्हें कार्यकर्ताओं के बूते ऐसे मोर्चे जीते जाते हैं उनकी अवमानना आए दिन की बात थी। फैजाबाद लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के हारने पर देश भर से अयोध्या की जनता के विरोध में सोशल मीडिया में पोस्ट आने के बाद यहां के संतों की नाराजगी दुगनी हो गई है। नाराज संतों ने कहा कि अयोध्या से बीजेपी का हारना दुखद, राम मंदिर निर्माण, एयरपोर्ट बना, अयोध्या का विकास जरूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रही होगी जिससे बीजेपी हारी। पार्टी को चिंतन मंथन करना चाहिए। अयोध्या वासियों की आलोचना उचित नहीं। 4 लाख से ज़्यादा वोट अयोध्या ने दिया है। अयोध्या विधानसभा से तो बीजेपी ने जीत हासिल की है, अन्य विधानसभा में पार्टी को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है।